नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस के नए नए तरीके बताते हैं जिससे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, अगर आपका बजट कम है तो बिंदी मेकिंग उद्योग खोलकर महीने में आराम से 30 से 40 हजार रुपए कमाएं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका फायदा क्या है। पहला ये फायदा है कि इसे आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट यानी लागत भी कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। चौथा फायदा, मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है जिसके कारण आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा। और पांचवा फायदा जो है, इसके खराब होने की कोई भी डर नहीं होते, यानी ये बिजनेस जो है पूरी तरह से आपके लिए सुरक्षित है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है। इसमें जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसमें आपको चाहिए स्टिकर सीट जो बिंदी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, गम यानी गोंद चिपकाने के लिए, यानी इसमें जो भी चीज आप बिंदी बनाने के लिए डेकोरेट करेंगे उसको चिपकाने के लिए, और डेकोरेटिव मटेरियल में आपको चाहिए स्टोन, रबर, नीलम इटीसी। जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग पैड और पैकेजिंग बॉक्स का जरूरत पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मार्केटिंग की, यानी इसको कैसे सेल किया जाए। इसको सेल करने के लिए आप होलसेलर को भी दे सकते हैं, स्टेशनरी के शॉप में भी सेल कर सकते हैं, रिटेल शॉप को दे सकते हैं, या फिर घर पर जाकर भी बेच सकते हैं और इससे अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 2-4 दिन का ट्रेनिंग लेना होगा और इसके रॉ मटेरियल आपको खरीद कर अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। इसकी ट्रेनिंग जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने घर से ही कम लागत में ज्यादा मुनाफा वाला काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टिप्स जिससे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स और हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।